नमस्कार। आज हम थाट के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जैसे पिछले बार हमने संगीत में कैसे अपने गले को ठीक रखना है, कैसे उनका माधुर्य बढ़ाना है, ये सारी बातें किए थे। अब हम रागों का क्रम आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए सबसे पहले जो आता है वो होता है थाट, कि थाट कितने प्रकार के होते हैं और थाट में क्या-क्या विविधता होती है। तो थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग करते हुए हम थाटों के प्रकार के बारे में आज बात करेंगे। थाट की परिभाषा, थाट का सामान्य अर्थ, थाट का अर्थ भाव या स्वर होता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक ढांचा है। थाट संगीत की रचना का मूलभूत संरचना प्रदान करता है। इसमें एक विशेष प्रकार का सुर, राग और ताल का संयोजन होता है जो संगीत में एक विशेष रुचि और गहराई लाता है। और जहाँ तक ताल का संबंध है तो हर एक राग में सारे ही ताल यूज किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी राग में कोई ताल नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, स्वर हर एक ठाट का स्वर अलग होता है, भिन्न होता है एक दूसरे से, और उनमें कुछ कुछ जो परिचायक डिफरेंसेस होते हैं वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक ठाट का मतलब भी समझना जरूरी है, तभी हमें उसके आगे भी सारी चीजें समझ आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठाट की विशेषताएं, फीलिंग्स में विविधता। ठाट में अपनी विशेष भावनाएं और विविधता होती है जो उसे अन्य ठाटों से अलग बनाती है। ये भावनाएं आनंद, शांति या भक्ति का अनुभव कराती है। संगीत प्राथमिकता, ठाट संगीत में एक प्राथमिकता प्रतीकात्मक मान्यता होती है। यह कई सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में जुड़ा होता है जो उसके भावार्थ को और भी गहरा बनाता है। ठाटों का वर्गीकरण ये अधूरा है वैसे, क्योंकि सिर्फ तीन तरह के ठाट नहीं होते हैं, ठाट कई और भी होते हैं, आगे बताती हूँ मैं। ये देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के बंटवारे की पद्धति को ठाट कहते हैं। पंडित भातखंडे ने 10 ठाटों का वर्गीकरण किया था। ये ठाट हैं: कल्याण ठाट, बिलावल ठाट, खमास ठाट, काफी ठाट, पूर्वी ठाट, मारवा ठाट, भैरव ठाट, भैरवी ठाट, असावरी ठाट और तोड़ी ठाट। ये सारे प्रमुख 10 ठाट हैं जिसको पंडित भातखंडे जी ने इनको विभाजित किया है, इनके बंटवारे किए हैं। और इन्हीं ठाटों में राग तो अनगिनत आपको मिलेंगे, और हर एक ठाट में कौन से स्वर का प्रमुख होना जरूरी है वो आगे हम बताएंगे। पर इनसे ये जरूरी नहीं है कि रागों में फिर कोई भी आप राग अगर जो ले रहे हैं तो उनमें वो ठाट के रिलेटेड सारे ही स्वर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि तब तो रागों में डिफरेंस ही नहीं आ पाएगा। तो जो प्रमुख ये ठाटो हर एक ठाट का एक स्वर प्रमुख होता है कि कौन से स्वर किस में लगते हैं वो हम आगे अगले अगले सेशन में बताएंगे। ठाट का महत्व, संगीत में ठाट का स्थान। ठाट का भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह रागों की रचना में महत्वपूर्ण तत्व है। वह रागों के भावार्थ को स्पष्ट कराता है। विभिन्न ठाटों के माध्यम से संगीत की विविधता और रंगारंगता बढ़ती है। यही कारण है कि संगीत में ठाट का महत्व अत्यधिक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ठाटों का प्रभाव, 50% संगीत के भाव, 50% संगीतकार ठाटों को महत्वपूर्ण मानते हैं। बताते हैं कि ठाट विभिन्न रागों के भावों को व्यक्त करने में सहायता करता है, इसे गहराई और भावनाओं में जोड़ता है। 30% शास्त्रीय संगीत की ताकत, 30% संगीतज्ञ मानते हैं कि ठाट शास्त्रीय संगीत की ताकत और प्रभाव को बढ़ाता है। यह रागों में विवरण और गहराई लाता है जो श्रोता को सम्मोहित करता है।
20% आधुनिक संगीत में भूमिका, 20% संगीतकारों के अनुभव के अनुसार थाट आधुनिक संगीत के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है और रागों और धुनों के लिए प्रेरणा देता है, जिसका नयापन हमें हर राग में पता चलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही थाटों के बारे में। हम अगले क्लास में और भी इसी पर बात करेंगे, इसके बारे में और भी चीजें जानेंगे। अब तक आपने अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से कर लें सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, सो दैट आपको जो भी अपडेट्स आते हैं मेरे वो आपको रेगुलरली मिलते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। और भी आपके जो भी लोग हैं जो भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो जिनको भी संगीत का शौक़ है, उन लोगों को ये ज़रूर से शेयर करें सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। So do like, share and subscribe. Thank you. Namaskar.